हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आरएमसी मैथ्स की कॉन्सेप्ट सीरीज़ में। आज है डे 21 और आज हम लोग टाइम एंड वर्क से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे। कहीं ना कहीं ये बेस है टाइम एंड वर्क का। अगर ये बेस आप समझ जाएंगे तो पूरा टाइम एंड वर्क आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। और आज एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी देखेंगे और फिर कुछ और वीडियोज़ लाएंगे टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो चलिए टाइम एंड वर्क के बारे में देखें। तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, पहली इंपॉर्टेंट चीज़, ओके, द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जितने भी कैलकुलेशंस हम करेंगे टाइम एंड वर्क में, कैलकुलेशंस का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज निकालना, रेशियो, दिस आर ऑल कैलकुलेशंस। तो जितने भी कैलकुलेशंस करेंगे, डू रिमेंबर दिस पॉइंट, ऑल कैलकुलेशंस आर डन विथ यूनिट टाइम वर्क। ठीक है, क्या बोला मैंने? यूनिट टाइम वर्क। सर, यूनिट टाइम वर्क का मतलब क्या है? देखिए, टाइम एंड वर्क में आपको यही दिया जाएगा कि कोई काम को करने में कुछ समय लगता है। जैसे कि आपसे कहा जाएगा कि अगर हमें आरएमसी का सिलेबस कंप्लीट करना है तो हमें 6 मंथ्स लगेंगे। 6 मंथ्स क्या है? एक काम को करने का समय। ठीक है, तो उसी तरीके से जब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, सपोज सूरज सर मैथ्स को 2 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, अगर एक और मैथ्स के सर आ जाए तो वो मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो बेसिकली जो भी कैलकुलेशंस करेंगे, कोई नई चीज़ ऐड हो रही है, कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन भी तो कैलकुलेशन है। तो ये जो भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे वो करेंगे यूनिट टाइम वर्क के ऊपर। ठीक है, अब यूनिट टाइम वर्क के एग्जांपल देख लो। अगर आपको टाइम डेज में दिया है तो 1 डे वर्क हो जाएगा, हम लोग 1 दिन का काम निकालेंगे और बहुत आसान है निकालना। उसी तरीके से अगर आवर्स में दिया है तो 1 आवर वर्क, और अगर मिनट्स में दिया है तो 1 मिनट वर्क। ठीक है, तो मुझे हमें यूनिट टाइम वर्क निकालना पड़ेगा और सारी की सारी कैलकुलेशंस हम उसी के साथ करेंगे। दूसरा पॉइंट ये कहता है मेरा कि जो भी टोटल टाइम आपको दिया है, अगर आप उसी का रेसिप्रोकल कर लो। जैसे कि अगर मैं किसी भी काम को, सपोज मुझे अगर बच्चों को ओलंपियाड पढ़ाना है और मैं 20 आवर्स में ओलंपियाड का पूरा सेशन कम्प्लीट कर सकता हूँ, तो मेरा 1 दिन में कितना पार्ट में ओलंपियाड का कम्प्लीट करूँगा? 20 का उल्टा कर दो रेसिप्रोकल, 1/20 पार्ट या 1/20 वर्क में 1 दिन में कर पाऊंगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप टोटल टाइम का रेसिप्रोकल कर लो, ओके, इफ यू विल डू रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ टोटल टाइम तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा यूनिट टाइम वर्क, आपको यूनिट टाइम वर्क मिल जाएगा एंड वाइसी वर्सा। ठीक है, तीन पॉइंट्स क्यों लिखूं मैं? एंड वाइसी वर्सा। अच्छा, ये क्यों करेंगे हम रेसिप्रोकल ऑफ टोटल टाइम? क्योंकि हमें यूनिट टाइम वर्क निकालना है। और क्यों निकालना है यूनिट टाइम वर्क? क्योंकि सारी की सारी कैलकुलेशंस यूनिट टाइम वर्क के ऊपर होगी। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आरएमसी में तो नहीं आने वाला, लेकिन हाँ, आपके कॉन्सेप्ट को जरूर ठीक कर लेगा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर्स। तो आपको क्या दिया है? आपको दिया है कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 12 घंटे में। तो इसका यूनिट टाइम वर्क मतलब ए का 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा? 1 आवर वर्क इज गोइंग टू बी, मैंने कहा था रेसिप्रोकल कर लो, 1/12 लिख लेना। 1/12 के आगे कोई यूनिट मत लगाना, वर्क आगे आप वर्क लिख सकते हैं, अदरवाइज ये यूनिट टाइम वर्क है, सो इट हैज़ नो यूनिट। इसी तरीके से बी के बारे में आपको दिया है कि बी किसी भी काम को 15 आवर्स में करता है। तो अगर मैं बी का 1 आवर वर्क निकालूं तो 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा बी का? 1/15। अब जो भी कैलकुलेशंस करेंगे हम इन्हीं के साथ करेंगे, इनके 1 आवर वर्क के साथ। इन हाउ मच टाइम विल दे फिनिश द होल वर्क वर्किंग टुगेदर? तो आपको ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? तो मिलने का मतलब ही ये है कि ए का जो यूनिट टाइम वर्क है 1/12 और बी का जो यूनिट टाइम वर्क है 1/15। तो मैं ए और बी का कंबाइंडली इनका 1 दिन का काम निकाल रहा हूँ। ठीक है, और जब आप 1 दिन के काम का रेसिप्रोकल करोगे या यूनिट टाइम वर्क का रेसिप्रोकल करोगे तो आपको टोटल टाइम मिल जाएगा। तो ये कितना जाएगा? एलसीएम अगर आप देखोगे तो इट्स गोइंग टू बी 60। यस, 12 5 15 4 तो इट्स गोइंग टू बी 9/60। 3 3 9 320, इट्स गोइंग टू बी 3/20। तो 3/20 वर्क है इनका यूनिट टाइम वर्क। यूनिट टाइम वर्क का रेसिप्रोकल करो, टोटल टाइम आ जाता है। ठीक है, तभी तो मैंने वाइसी वर्सा लिखा था। तो कितना लगेगा ए और बी को टोटल टाइम? 20/3 आवर्स। आप चाहे इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, 3 6 18, 6 2/3 आवर्स। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 आवर्स पूरे, 2/3 × 60 करेंगे तो 40 मिनट्स आ जाएगा, 6 आवर 40 मिनट्स। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि सारी की सारी कैलकुलेशंस टाइम एंड वर्क के चैप्टर में यूनिट टाइम वर्क के साथ होगी। और जो मैंने ये पॉइंट आपको लिखाया है वाइसी वर्सा वाला, ध्यान दीजिएगा कि अगर आप टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करोगे तो यूनिट टाइम वर्क आएगा, लेकिन अगर आप उसका भी रेसिप्रोकल करोगे तो आपका टोटल टाइम आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने वही करा,
यहाँ पर हमने जो यूनिट टाइम वर्क आया था ए और बी का, उसका रेसिप्रोकल करा तो टोटल टाइम आ गया और उसको हमने आवर्स और मिनट्स में कैलकुलेट कर लिया। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बच्चों की डिमांड में ही हम लोग टाइम एंड वर्क पहले लाएं। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू सून, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।